विशेष में बात करते हैं सबसे पहले बजट की। केंद्रीय बजट 2022-2023 पेश होने में कुछ ही दिन बचे हैं और दो साल कोरोना की मार झेलने के बाद देश के उद्योग धंधों की कमर टूट चुकी है। कृषि पर भी कोरोना की मार का बुरा असर पड़ा है। ऐसे में राजस्थान के किसान, मंडी संगठन और कारोबारी केंद्र सरकार से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इन सबको लेकर मंडी संगठनों ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय को कई सुझाव भेजे। इन्हें उम्मीद है कि सरकार उनके सुझाव पर गौर करेगी, जिससे राजस्थान के किसान और कृषि से जुड़े कारोबारी राहत की सांस लेंगे। केंद्र सरकार बजट की तैयारियों में जुटी है। इन तैयारियों के बीच राजस्थान के किसान, मंडी संगठन और कारोबारी इस बजट से खासी उम्मीद लगाए बैठे हैं। बजट 2022 को लेकर राजस्थान के मंडी संगठनों और कारोबारियों ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय को सुझाव भेजे हैं, जो किसान एग्रो इंडस्ट्री में आ रही समस्याओं से जुड़े हैं। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि पिछले दो साल से समय काफी मुश्किलों भरा रहा है। कोरोना ने कृषि सेक्टर को भी काफी प्रभावित किया है। ऐसे में मंडियों में कारोबार की सुगमता हो, टैक्स कम कर राहत देने की बात हो या कृषि से जुड़े कारोबार को सपोर्ट करना वर्तमान हालातों में बेहद जरूरी है। कृषि से, कृषि उत्पादन और विपणन, ये इस संस्था से जुड़े हुए अध्याय हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए पहले टैक्स की ही बात कर लूँ, तो कम से कम 5 लाख रुपए इनकम टैक्स की एक लिमिट होनी चाहिए और उसमें 3 लाख रुपए तक के जो छूटे हैं वो होनी चाहिए। अगर GST की बात कर लें तो सीधी सीधी बात है कि हम ये चाहते हैं कि एक तो जो कपास पर RCM है उसको समाप्त किया जाए। मसाला कारोबारी भी सरकार से सस्ती दरों पर लोन, खेती के लिए नई टेक्निक को बढ़ावा देने, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, यूरिया पर कम निर्भरता जैसे मुद्दों पर घोषणा के इंतजार में है। वहीं खाद्य तेल से जुड़े कारोबारी फसल बुआई से पहले और कटाई के बाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की जरूरत की बात कह रहे हैं। सरकार मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग के लिए बजट में विशेष प्रावधान करे तो किसान को इसका सीधा लाभ मिलेगा। प्रोडक्शन के साथ प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ाने पर भी फोकस होना चाहिए। एक बड़ी समस्या हमारे को जो आ रही है स्पाइस के अंदर कि सैंपलिंग बहुत ज़्यादा होती है। फूड इंस्पेक्टर द्वारा सैंपल लिए जाते हैं और उन्हें मिसब्रांड कर दिए जाते हैं। क्वालिटी के अंदर अगर कोई सैंपल फेल होता है तो वो राइट है, बट मिसब्रांड में होता है। मिसब्रांड में हर साल सरकार कुछ नियम चेंज कर देती है। जैसे बैच कोडिंग के अंदर डेट ऑफ एक्सपायरी पहले हुआ करता था, जिसको कुछ सालों पहले डेट ऑफ एक्सपायरी के स्थान पर बेस्ट बिफोर कर दिया गया। कि अगर प्रोडक्शन एग्री का हो जाता है और ख़ासकर सरसों का, तो उसका कंजम्पशन इंडस्ट्री कर सकती है, परंतु वित्त 20 सालों में हमारी ऐसी पॉलिसी रही है कि राजस्थान में जो 1800 तेल मिले थी वो आज घटकर 600 रह गई है और वो भी अपनी 50% एफिशिएंसी पे चल रही है। सरसों तेल है, मूंगफली तेल है, तिल्ली तेल है, उनको टैक्स कम करना चाहिए। और जो हानिकारक तेल है इम्पोर्टेड आ रहे हैं, जो तेल्स जो केमिकली प्रोसेस्ड है, हाई हीटेड है, उन पर टैक्स आप बड़ा लगाइए। वहीं मंडी संगठनों की मांग है कि कृषि क्षेत्र के लिए नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन समय की जरूरत है। ड्रिप और लिफ्ट इरिगेशन जैसी तकनीक पर ध्यान देकर असिंचित क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार टैक्स में रियायत, कम ब्याज पर लोन और इंसेंटिव देने पर विचार करे। हाल के सालों में ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ किसानों का रुझान बढ़ा है। किसान संगठनों की मांग है कि इस बजट में वित्त मंत्री को चाहिए कि वो जैविक खेती और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करें। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के यूनियन बजट में प्रस्तावित कृषि बिल के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, उनमें कहा गया है कि भारत में खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई जाएं। राजस्थान में सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर योजना बने। बारानी पड़ी जमीन को समतल करने के लिए किसान को लागत का 80% सब्सिडी मिले। मिट्टी और पानी के अनुसार और राजस्थान में होने वाले मौसम का ख्याल रखकर बीज पर रिसर्च करवाई जाए। किसानों को सरसों की खेती के लिए आवश्यक उपकरणों पर अधिक से अधिक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया जाए। राजस्थान से दूसरे राज्यों में सरसों तेल को पहुँचाने के लिए रेलवे पीस मिल बुकिंग एक डिब्बा फिर से चालू करे। सरसों तेल में वैल्यू एडिशन के लिए सरसों तेल उत्पादन करने वाली मशीनों, पैकिंग मटेरियल और लेबोरेटरी सिस्टम के लिए सब्सिडी दी जाए। कच्ची घाड़ी को प्रोत्साहन देने के लिए कोहलू पर 50% सब्सिडी दी जाए।
राजस्थान में भरपूर तिलहन उपलब्ध है, इनकी पैदावार दोगुनी करने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। मेड़ता, नागौर और जोधपुर जीरे के उत्पादन का बड़ा क्षेत्र है। वैल्यू एडिशन के साथ यहां लगाए जाने वाले उद्योगों को 40% सब्सिडी दी जानी चाहिए। नागौर, नोखा, सांचौर, बाड़मेर में इसबगोल की भरपूर पैदावार हो रही है। यहां पे इसबगोल का उद्योग लगाने वालों को 40% सब्सिडी दी जानी चाहिए। सोजा सिटी और इसके आसपास का क्षेत्र मेहंदी की पैदावार के लिए मशहूर है। मेहंदी में भारी मात्रा में केमिकल इस्तेमाल होने लगा है। केमिकल रहित मेहंदी पाउडर निर्माण करने के लिए उद्योगों को 40% सब्सिडी दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से ई नाम योजना को धरातल पर लागू किया जाना चाहिए। मंडियों में ढोम बनाए जाएं जिससे किसानों की फसल सुरक्षित रहे। मंडी टैक्स को लेकर एक देश एक व्यवस्था लागू हो। मंडियों में ग्रेडिंग और क्लीनिंग के इंतजाम किए जाएं। मंडियों के पास ही वेयर हाउसेज और कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाएं। मंडियों के नजदीक ही पैदावार के अनुसार उससे संबंधित उद्योग लगाए जाएं। आयकर मुक्त राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख की जाए। आयकर में दी जाने वाली छूट को 3 लाख तक किया जाए। तो ये मांगे थी राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के और खासतौर पर उन अहम उद्यमियों की जिनसे राजस्थान गति ले रहा है, आगे बढ़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।